अच्छा, आप कुछ एडजॉइंट की तो इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है जो आप पे काम की, वैसे तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज मेरे पास लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूँ जो इजीएस्ट प्रॉपर्टी है जो शायद आ जाए उसमें। सबसे पहली है कि अगर आपको बोला जाए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कुछ भी है, मैं एडजॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज है। तो लेट कर लो, अगर आपसे बोला जाए कि आप एडजॉइंट निकालो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स लो या उसका एडजॉइंट लो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे का वैसे रहता है। इसी तरह अगर आपने एडजॉइंट निकालना हो नल मैट्रिक्स का, ये नल मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है, तो नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी भी देख लो कि अगर एक मैट्रिक्स ए है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करो उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से, मतलब मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कर दो ए से, जिस भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आपके पास आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन थी, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है उसके एडजॉइंट से। अब ये चीजें एनएडी में तो सिर्फ पूछ सकते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज में जो एनएस है जैसे उसमें तो निकालने को भी आपको बोल सकते हैं। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे दें ए, ठीक है, अब उस मैट्रिक्स ए का आपको बोला जाए कि ये चीज निकालो, अब ये चीज निकालना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि आप पहले एडजॉइंट निकालोगे जो बजाते खुद एक मुश्किल काम है, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करोगे ए से, तो बहुत लंबा काम है ये। तो उससे इजी हल क्या है कि आप जस्ट उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो, जो भी एक नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो ये तो दूसरी तरफ हलवा पूरा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें निकालने से बेहतर है आप ये चीज निकाल लो, दोनों से आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो अगर आपसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ ली जाए तब भी आपको पता होना चाहिए, और अगर कोई एग्जाम्पल देके आपसे बोल दी जाए कि आप ये चीज निकालो तो ये चीज निकालने से बेहतर है आप ये वाला निकाल लेना, एक ही बात हो जाएगी। या अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो फिर ये भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टिल आपको टाइम लग सकता है इसमें, वो काफी इजी लगेगा आपको। इसी तरह अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है उसका आपने ट्रांसपोज लिया उसके बाद आपने उसका एडजॉइंट लेना है, तो ये बराबर है कि पहले आप उसका एडजॉइंट ले लो सुकून से, उसके बाद जो मैट्रिक्स आए एडजॉइंट लेने के बाद आप उसका ट्रांसपोज ले लो। पहले आप ए का ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट ले रहे थे, ये बराबर होगा कि पहले आप सुकून से एडजॉइंट ले लो उसके बाद जो भी मैट्रिक्स आया आप उसका ट्रांसपोज ले लो, दोनों से आपको आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। और आखिरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, अगर आपने एडजॉइंट निकालना हो एक ए बी मैट्रिक्स का तो ये बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स। ए बी मतलब पहले आप मल्टीप्लाई करो उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालो, ये बराबर है कि पहले आप दोनों एडजॉइंट निकाल लो उसके बाद आप उनको मल्टीप्लाई कर लो। मेरे ख्याल में सही है इतनी प्रॉपर्टीज, एक्चुअली ये तो आपकी बुक में है भी नहीं सारी की सारी, तो इतनी काफी है, वरना फिर बहुत डिटेल में चले जाएंगे। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट ने बोला एग्जाम्पल दें, कौन सी वाली प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल कह रहे हो? प्रॉपर्टी नंबर थ्री। अच्छा, एग्जाम्पल ये कि भाई एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 -1 2 4 कर लो, ये मैट्रिक्स गिवन हो और आपसे बोला गया हो कि आप ये चीज निकालो ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैं ये कह रहा हूं भाई ये निकालना एक मुश्किल काम है, आप पहले एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको आप ए से मल्टीप्लाई करोगे, इससे इजीएस्ट काम क्या है क्या आप ये चीज निकाल लो, मतलब आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट लेट कर लो इसका के बराबर आ रहा है, तो जो भी आपके पास डिटरमिनेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना बच्चों का खेल है क्योंकि बाकी सब तो जीरो होते हैं, वन वन जो है उससे आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, तो जब के को इस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो हर जगह क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो ये वाला काम करना ज्यादा इजी है बजाय ये कि आप
ये काम करना मुश्किल है, ये एग्जाम्पल हो सकती है इसकी, लेकिन इतना मुश्किल आता नहीं है। अगेन मैंने वही बात बताई है, मैंने थोड़ा आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं, या आप लोगों की बुक में ऐसा आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन फिर भी नोट कर लो इनको। इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मिल जाएंगी, और वो कहां पे मिलेंगी, अगर आप उठाओगे ना अपना अपनी बुक पेज नंबर 137 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, वहां पे आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छा मुझे एक सेकंड एक चीज देखने दो। अच्छा ये दो तीन प्रॉपर्टीज और भी लिखी हुई है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टीज की हेडिंग में नहीं है, अगर आप 124 पेज पे आ जाओ ना फर्स्ट ईयर 124 पेज पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, तो मैं जरा करवा देता हूँ। ये अलग से हेडिंग बना के नहीं है, वैसे उन्होंने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना उसका पार्ट 1 अगर आप देखो, तो उन्होंने लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वही वाली बात है कि अगर आपने ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट से, तो ये बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां पे सवाल में मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 था, तो यहां पे उन्होंने I3 लिखा हुआ है, तो ये वाली पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने डिस्कस की हुई है पार्ट 1 के अंदर। उसके अलावा दो और प्रॉपर्टी डिस्कस हुई हुई है पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में, तो भी जरा मैं आपको बता देता हूं, उसको भी आप लोग अपने पास नोट कर लो। वो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको बोला जाए कि आप एडजॉइंट ए निकालो, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, आप उसका एडजॉइंट निकालो, जो भी एडजॉइंट आए उसका दोबारा एडजॉइंट निकालो, तो ये बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की पावर एन माइनस टू मल्टीप्लाई ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, लेट कर लेते हैं 3x3 उसका ऑर्डर है, आपको अगर ये बोला जाए कि आप निकालो एडजॉइंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे यहां पे, लेकिन इस काम को आप जरा समझो, एक बहुत बड़ा काम है कि आपने पहले एडजॉइंट निकाला जो मैट्रिक्स आई, उसके बाद आपने दोबारा एडजॉइंट निकाला, तो इससे इजी काम ये है। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालो, उसकी पावर लो एन माइनस टू, वेयर एन अगेन वही बात है मैट्रिक्स का ऑर्डर है, अगर 3x3 की है तो एन क्या हो जाएगा 3 माइनस टू क्या होता है 1 के बराबर, लिखो ना लिखो बात एक ही है, तो डिटरमिनेंट निकालो और उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स ए से, ठीक है, तो ये वाली पूरी चीज बराबर हो जाएगी इसके, ठीक है। अच्छा तो आपको एग्जाम में प्रॉपर्टी इस तरह भी दी जा सकती है कि आपको ये प्रॉपर्टी पूछ ली जाए और बोला जाए कि जो मैट्रिक्स ए है ना उसका ऑर्डर जो है वो 3 है, तो फर्क ये होगा कि आप यहां पे 3 पुट कर देना, 3 माइनस 2 क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो ये पूरी चीज बराबर हो जाएगी डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई ए के बराबर। लेट कर लो अगर वो आपको बोल दें कि मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर 4 के बराबर है, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 के बराबर है तो आप कैलकुलेट करो एडजॉइंट ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस टू। अब ऑर्डर क्या है 4 माइनस टू क्या होता है 2 के बराबर, तो ये पूरी चीज बराबर हो जाएगी डिटरमिनेंट का स्क्वायर टाइम्स मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं। और आखिरी प्रॉपर्टी यहां पे देख लो, और वो है कि अगर आपसे बोला जाए कि आप जो एडजॉइंट ए है इसका डिटरमिनेंट निकालो, मतलब पहले आपने एडजॉइंट निकाला उसके बाद आप डिटरमिनेंट निकालो, तो ये बराबर होगा आप डायरेक्ट ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो और उसकी आप पावर ले लो एन माइनस वन। अगेन इस प्रॉपर्टी को अभी तो जनरलाइज मैंने लिखा हुआ है, आपसे स्पेसिफिक बात भी की जा सकती है, आपको अगर वो बोले कि एक मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर जो है वो 3 के बराबर है, तो ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी 3 माइनस 1 2, ये बराबर हो जाएगी डिटरमिनेंट का स्क्वायर। या अगर आपसे बोला जाए कि अगर आपसे बात बोली जाए कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 है, तो बताओ एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होगा, ये बराबर होगा इसके एन की जगह 4 पुट कर देना, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 के बराबर, तो ये पूरी चीज बराबर हो जाएगी डिटरमिनेंट का क्यूब। तो इस तरीके से वो आपसे प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं। कोई इशू यहां तक? उसके बाद इनवर्स की 3-4 प्रॉपर्टीज हैं।
कि अगेन ये मैंने पहले भी लिखवाया था इनवर्स के अंदर कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका आपने इनवर्स निकाला और फिर दोबारा आपने इनवर्स निकाला तो मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालने के बाद आपने उसका इनवर्स लिया, तो ये बराबर है कि पहले आप उसका इनवर्स ले लो और उसके बाद आप ट्रांसपोज ले लो, दोनों इस तरीके से बराबर हो जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने पहले भी बताई थी कि अगर ए बी का आपने इनवर्स निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर ऑर्डर ए बी है तो बी ए यहां पे होगा, अगर यहां पे ए बी सी आ जाए तो यहां पे सी बी ए हो जाएगा, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आप लिख रहे होते हो। ये तीन प्रॉपर्टी होगी। चौथी वाली मैंने आप लोगों को अगेन पहले बताई थी कि अगर एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। और वो डिपेंड करता है, ये अगर मैट्रिक्स 3x3 की थी तो आइडेंटिटी भी 3x3 का आएगी, अगर ये 4x4 की तो हिसाब से आइडेंटिटी भी मैट्रिक्स 4x4 की आएगी, ठीक है। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कि अगर के ए मैट्रिक्स को, मतलब के ए का मतलब कि मैट्रिक्स ए से आपने किसी भी के नंबर को मल्टीप्लाई किया उसके बाद आपने इनवर्स निकाला, तो ये बराबर है कि आप पहले ए इनवर्स निकाल लो, उस ए इनवर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो 1/k से। सिंपल सी बात है, ये इनवर्स जो है ये ए के ऊपर भी आ जाएगा, ये इनवर्स के ऊपर भी आ जाएगा, तो के इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा 1/k, ठीक है, एक ही बात होती है ना, तो के ए का इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/k टाइम्स ए इनवर्स। और एक आखिरी प्रॉपर्टी मैंने लिखवानी है, उससे पहले मैं देख लेता हूँ कुछ और जहां लिखी हो, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर के साथ भी उन्होंने लिखी हुई है इस प्रॉपर्टी को, अगर आपके पास ए स्क्वायर हो और फिर आपने इनवर्स निकालना हो तो ये बराबर है कि पहले आप इनवर्स निकाल लो उसके बाद आप स्क्वायर निकाल लो, जैसे इसमें था उसमें वही चीज उन्होंने लिखी हुई है। एक और प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है उसको पहले आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आई उसका आपने इनवर्स ले लिया, ये बराबर है कि पहले आप मैट्रिक्स का इनवर्स ले लो, जो भी इनवर्स आए उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब आपके दोनों काम समझने पड़ेंगे कि पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसके बाद इनवर्स ले रहे थे, तो ये एक ही बात है कि पहले आप इनवर्स ले लो उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टी सारी खत्म हो गई है, अब एक प्रॉपर्टी रहेगी, मैं जरा वो समझा देता हूं आपको और वहां से एक कॉन्सेप्ट पूरा बताना है मुझे। वो कॉन्सेप्ट ये था कि मैट्रिक्स में आप डिवीजन नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी तो नहीं कहोगे आप, क्या भी सकते हो मर्जी है, वो ये चीज है कि अगर आपको बोला जाए कि ए बी जो है वो बराबर है सी के, या इसको इस तरह कर लेते हैं, जो आप नंबर्स में कैंसिल करते थे ना वो काम कर लेते हैं, ए सी बराबर है बी सी के। तो नॉर्मली जब आपके पास रियल नंबर्स होते थे, जब आप अलजबरा करते थे, तो अगर दोनों तरफ वेरिएबल सेम होता था आप उसको कैंसिल कर दिया करते थे। अब यहां पे वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अभी भी कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ये चीज हो रही है कि वो सी को सी से कैंसिल कर देंगे और ए और बी आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये कब ऐसा होगा, बिल्कुल सही बात है ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कब होगा, मतलब कंडीशन इसकी होनी चाहिए, हर कंडीशन पे ये चीज ठीक नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो आप डायरेक्ट कैंसिल करते हो ना, ये ऐसा कोई मैथ का रूल नहीं होता कि इक्वेशन के दोनों तरफ जो चीज है उसको आपने कैंसिल कर दिया, मैथ में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, या आपने बचपन से जुगाड़ रखी हुई है बस कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर ऐड हो रहा है उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मैथ में ऐसा कुछ नहीं होता, इधर उधर मैथ में कुछ नहीं होता, मैथ में ये होता है कि अगर आप इस सी को कैंसिल करना चाह रहे हो तो मैथ कहती है कैंसिल कुछ नहीं है, आप एक काम करो कि आप दोनों तरफ सी से डिवाइड कर दो। अब नंबर्स के अंदर तो जब आप डिवाइड करते थे ये दोनों डिवाइड होंगे वन आंसर आएगा, ये दोनों डिवाइड होंगे वन आंसर होगा और ए बराबर हो जाएगा बी के, लेकिन आपको पता है मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं हो सकती, आप इक्वेशन के दोनों तरफ सी से डिवाइड नहीं कर सकते, मैट्रिक्स में डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा इनवर्स, मैट्रिक्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है, आप इनवर्स लेते हो। तो आप सिंपल क्या करोगे,
आप इक्वेशन के दोनों तरफ इनवर्स ले लोगे, आप इक्वेशन के इस तरफ भी सी इनवर्स ले लो, आप इक्वेशन के इस तरफ भी सी इनवर्स ले लो, अब ये कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? आपको पता है सी को अगर आप सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी रिजल्ट में आइडेंटिटी आती है, और आइडेंटिटी को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो उस मैट्रिक्स को कोई असर नहीं पड़ता। तो यहां से सी और सी इनवर्स हट जाएंगे, यहां से दोनों हट जाएंगे, ए और बी के मतलब ए और बी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ये मैंने इतनी लंबी चौड़ी क्यों की है? मैं डायरेक्ट ये भी बोल सकता था कि भाई कैंसिल करो ए और बी आ जाएगा, वो लंबी करने का मकसद ही ये है कि ये पूरी चीज इनवर्स आप उस वक्त लेते हो जब मैट्रिक्स सिंगुलर होती है, नॉन सिंगुलर होती है। अगर यहां पे सी सिंगुलर हुआ, जो मैं कंक्लूजन बता रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर यहां पे सी जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स हुई, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब उसका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के बराबर है, डिटरमिनेंट जीरो के होने के बराबर का मतलब ये है कि उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो ए सी इक्वल टू बी सी कभी भी ए इक्वल टू बी के बराबर नहीं होगा। तो कंडीशन ये है कि ये पूरी चीज ए और बी के बराबर उस वक्त होगी जब सी जो है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर उसका जीरो हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया तो आप सी को कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, ये पूरी बात बताई थी। तो ए सी इक्वल टू बी सी ये बराबर हो जाएगा ए इक्वल टू बी के उस वक्त जब सी जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तभी ये हो सकता है। अगर सी सिंगुलर हुई तब ये चीज आपस में पॉसिबल नहीं हो सकती। क्लियर है यहां तक बात? कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लो। जो प्रॉपर्टीज का टॉपिक है वो हमारा खत्म हो गया। अच्छा, ये ऑर्डर भी बड़ा मैटर करता है, इस चीज को भी ध्यान में रखना कि अगर आप सी देखो ना, ये बाद में है क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर कर रहा होता है, नंबर्स में तो मैटर नहीं करता ना, वन मल्टीप्लाई टू करो या टू मल्टीप्लाई वन करो, लेकिन मैट्रिक्स में मैटर करता है। ए सी और सी अलग चीज होती है। तो अगर आप सी को कैंसिल करना चाह रहे हो ना, तो आप इक्वेशन के दोनों तरफ बाद में सी इनवर्स लगाओगे, मतलब इसके बाद में सी इनवर्स और इसके बाद में सी इनवर्स, ये चीज मैटर कर रही होती है। और लेट कर लो, अगर आपको पहले लगाना होता तो फिर इक्वेशन के दोनों तरफ आप पहले लगाते, यहां पर भी पहले लगाते और इधर भी इससे पहले लगा रहे होते। ये बातें आमतौर पे इतनी एमसीक्यूज में आती नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैट्रिसेस में ये ऑर्डर बड़े मैटर कर रहे होते हैं। एक तरफ इक्वेशन के अगर आप बाद में लगा रहे हो तो इक्वेशन के दूसरी तरफ भी आपको बाद में लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास आखिरी टॉपिक है और वो टॉपिक है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। अच्छा, अभी तक हमने मैट्रिसेस का पोर्शन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था उसी वक्त जब हमने टाइप्स कंप्लीट कर ली थी। मैट्रिसेस के अंदर जो पूरा पोर्शन है ना, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, उसमें टाइप्स आती हैं, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। फिर डिटरमिनेंट के पोर्शन पे आए थे। डिटरमिनेंट से पहले आपने माइनर पढ़ा था, कोफैक्टर पढ़ा था, फिर आपने डिटरमिनेंट देखा, 2/2 का डिटरमिनेंट, 3/3 का डिटरमिनेंट, और अगर 4/4 या 5/5 का आएगा तो मैंने बताया है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो हमने डिटरमिनेंट, एडजॉइंट, इनवर्स के बारे में पढ़ा, किस तरह निकालना है, उसके बाद हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब एक आखिरी टॉपिक है चैप्टर 4 का, और वो था कि जब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिसेस के जरिए से सॉल्व करते हो, इक्वेशंस अलजेब्रा में भी आप सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन इधर इस चैप्टर में आप इक्वेशन को सॉल्व करते थे बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो उसके दो मेथड थे, एक एडजॉइंट मेथड आप पढ़ते थे, फिर एक क्रैमर रूल्स आप पढ़ते थे। अगर आप इससे थोड़े ऊपर आ जाओगे, ऊपर नहीं, फेडरल बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में, तो एक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म वो आपको मिल जाएंगी, उससे भी आप सॉल्व कर रहे होते हो, लेकिन वो एमसीक्यूज में इतना नहीं आता। एमसीक्यूज में आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स से, एडजॉइंट मेथड से बोलेंगे थोड़ा ना कि आप उसको सॉल्व करो। और बिलफर्ज अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाए कि यार ये तीन इक्वेशन है, हमें इसका सॉल्यूशन बताओ, तो एनडी के बच्चों को तो मसला ही नहीं है। मसला क्यों नहीं है? मैं जैसे एग्जाम्पल देता हूं, एक 4.4 से निकालता हूं, एक 4.4 से लेट कर लो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सवाल पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं, कि आपके पास इक्वेशंस गिवन है, ये जितनी इक्वेशंस होती हैं सब लीनियर इक्वेशंस होती हैं और इनके अंदर तीन वेरिएबल्स होते हैं। अब लेट कर लो अगर आपको सवाल में बोला जाए कि इनको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करना एडजॉइंट या क्रैमर रूल से तो फिर आप बहुत बड़े बेवकूफ हो गए, क्योंकि फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपके पास होगा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में आपने तीनों इक्वेशन को पुट करना है, इक्वल का बटन दबाना है, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे।
तो अगर बिलफर्ड सवाल आता है पेपर में तो आप तो आसानी से इनको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो। तो ये बात भी खत्म होगी कि अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो एडजॉइंट क्रैमर रूल्स खत्म, उनको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्कस करने का फायदा क्या है, और ना हम क्योंकि एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में बस एडजॉइंट की डेफिनेशन आ सकती है, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने को बोल देंगे, वो तो मैंने बता दिए। अब सॉल्यूशन किस तरह मालूम करना है क्रैमर रूल से या जो भी है, वो एग्जाम में एमसीक्यूज में आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, तरीके पूछे जा सकते हैं कि लेट कर लो वो ऐसा एमसीक्यू दे सकते हैं, क्योंकि देखो एमसीक्यूज बनाने की पॉसिबिलिटीज हजारों में, आप किसी भी टाइप के एमसीक्यूज बना सकते हो। तो तभी मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ यार कि इतने एमसीक्यू सॉल्व ना करो, जो थ्योरी है उससे स्टिक रहो, क्योंकि कितने एमसीक्यू ऐसे होंगे जो आपने देखे भी नहीं होंगे लेकिन थ्योरी पता होगी तो आप कर लोगे उनको। तो इस टाइप का भी एमसीक्यू आ सकता है कि चार ऑप्शन लिखे होंगे और आपको बोलेंगे कि यार इसमें से कौन सा मेथड है जिससे आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो उसमें तीन नाम अलग से होंगे, चौथा नाम क्रैमर रूल होगा, तो फिर आप समझ जाओगे क्रैमर रूल से आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हो। तो ये बेसिक बात आ सकती है, ये तो आपको पता होनी चाहिए, बाकी एक दो सवाल आप कर भी लेना वैसे रिवीजन के तौर पे, कोई क्रैमर रूल से कर लेना, एक मैट्रिक्स मेथड जो एडजॉइंट मेथड पढ़ा था आपने उससे कर लेना ताकि प्रैक्टिस हो जाए। एमसीक्यूज में अगर ये वाला सवाल आया तो मैंने बताया कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना। अब दूसरी किस्म का सवाल आ सकता है वो मैं बताता हूं, उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। दूसरी किस्म का सवाल ये आ सकता है कि दो टाइप्स होती हैं इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, एक को आप बोलते हो होमोजीनियस, एक को आप बोलते हो नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है कि जिसमें ये जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहे ना ये सब जीरो होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये वाली इक्वेशन, अगर आप इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखो तो इसमें जो इनकी राइट हैंड साइड है वो सब जीरो है। इन अदर वर्ड्स, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो आपको नजर नहीं आ रही। हर इक्वेशन में तीन टर्म्स हैं, वेरिएबल्स वाली हैं, कांस्टेंट आपको यहां पे नजर नहीं आ रहा। तो इन इक्वेशंस को आप क्या बोलते हो, होमोजेनियस इक्वेशंस। ठीक है, और एक ऐसी इक्वेशंस होती है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, अगर आप इनको नोट करो, अगर आप कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो ये माइनस वन उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी माइनस वन उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, और ये माइनस फाइव उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव फाइव। तो अगर आप इन इक्वेशंस को देखो, इसमें जो आपके पास राइट हैंड साइड है या जो कांस्टेंट है वो जीरो नहीं है। अच्छा, कोई कांस्टेंट जीरो हो सकता है, लेट कर लो ये चीज जीरो हो जाए, अभी भी ये नॉन होमोजेनियस है। होमोजेनियस के लिए तीनों चीजें जीरो होनी चाहिए, मतलब तीनों इक्वेशन में अगर कांस्टेंट जीरो है तब आप उसको होमोजेनियस बोलोगे। अगर एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो है ना, जैसे यहां पे इसको भी मैं जीरो कर देता हूं, अभी भी ये नॉन होमोजेनियस रहेगी जब तक वन भी जीरो ना हो जाए। वन भी जीरो हो गया तब आप इसको होमोजेनियस बोल सकते हो, बाकी सब कंडीशन में ये नॉन होमोजेनियस ही रहेगी। तो इसको हम बोल देंगे नॉन होमोजेनियस। तो एक तो इस टाइप के एमसीक्यूज आपको दे सकते हैं वो, कि पहचानना हो कि कौन सी होमोजेनियस है कौन सी नॉन होमोजेनियस है। अब एक और सवाल किस तरीके से आएगा, वो ये होगा कि देखो सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते, सॉल्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं। पहला वो होता है कि जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है। अब कहोगे सर ये दो कहां आते हैं, एक ही आता है। अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूं कि ये वाली इक्वेशन है 2x + 3y, ये बिल्कुल चैप्टर 2-3 जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है ना, मैं वो वाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है दो वेरिएबल के अंदर, और एक है 4x + 6y + 8। अगर किसी स्टूडेंट को इनका नाम पता हो, मैंने बताया था ये एक स्पेसिफिक किस्म की इक्वेशंस हैं। किसी को पता है इसको हम कहते क्या हैं, क्या नाम होता है इसका, किसी भी बंदे को आइडिया हो इसका? मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा इसको, क्योंकि उन्होंने चैप्टर 2-3 भूल गए होंगे अभी तक। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वाह क्या जवाब दिए भाई, स्ट्रेट लाइन की तो है ये, तो मैंने पहले ही बता दिया था स्ट्रेट लाइन की, लेकिन इन दो को आप अलग से भी नाम देते हो, लीनियर इक्वेशन। वाह लेजेंड्स हो तुम लोग सारे के सारे। स्ट्रेट लाइन लीनियर ही होती है, क्वाड्रेटिक। यार तुम ना अपना एक फ्रेम बनाना, छोड़ो खैर बेइज्जती हो जाएगी फालतू की। ये कोई एक स्टूडेंट की यूट्यूब जो मेरी वीडियो देख रहा है, एक स्टूडेंट इसको क्वाड्रेटिक कह रहा है, हालत देख लो मैं इस वक्त किन लोगों को पढ़ा रहा हूं।
पैरेलल, पैरेलल वाले की बात थोड़ी सी मुझे सेंस लग रही है, कुछ सोच के उन्होंने जवाब दिया, बाकी का बहुत बुरा हाल है यार, खास तौर पे जो क्वाड्रेटिक वाला बंदा है ना, माफी मांगना अल्लाह ताला से। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने चैप्टर नंबर 3 में ये बात बताई थी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो और आप उसकी तीनों टर्म को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। जैसे इस इक्वेशन को मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये दो लाइन जो है ये कोइंसिडेंट है। असल चीज क्या थी कि जब आप इनको ड्रॉ करोगे तो ये ड्रॉ किस तरह होती है, ये बेसिकली एक ही तो स्ट्रेट लाइन है ना, बस मल्टीप्लाई करके अलग किया हुआ है इसको, लेकिन असल में तो एक ही स्ट्रेट लाइन है ये। तो लेट कर लो अगर ये वाली इस तरह बन रही है तो ये दूसरी वाली भी इसी तरह बनेगी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बनेंगे, और जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है इसका मतलब उनके दरमियान इनफाइनाइट मैनी, भाई माइक ऑन करने की वजह, उनके दरमियान इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। किसी भी दो लाइन के दरमियान सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो दो लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस पॉइंट पे कर रही होती हैं वो उनका सॉल्यूशन होता है। अगर आप इन दोनों स्ट्रेट लाइन को देखो तो ये तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोई भी आप पॉइंट पे कर लो, सब पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो जब इन दो लाइन के आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, इन दो लाइन के निकालोगे तो यूनिक आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा। और लेट कर लो अगर आप इसका निकालोगे, दो पैरेलल लाइन के निकालोगे तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, कभी भी दो पैरेलल लाइंस आपस में मिलती नहीं है तो सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं इनका कोई भी, ठीक है। तो यहां से आपने ऑब्जर्व कर लिया कि तीन टाइप की चीजें आपको मिल रही होती हैं, सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे, या तो यूनिक या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उनके दरमियान। अब ये तो बात मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, अब आपके पास ये तीन इक्वेशंस आ जाएं और आपको ये मालूम करना हो, क्योंकि जब दो वेरिएबल में होती है ना आप ड्रॉ भी कर सकते हो, तीन वेरिएबल के अंदर हो तो आप ड्रॉ करके नहीं देख सकते, आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं पता करने के लिए कि क्या इसके अंदर यूनिक है या इनफाइनाइट है या क्या है, तो वो पता करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूं। दो कैटेगरी बनेंगी भाई, पहली कैटेगरी होगी होमोजीनियस की, कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस है या सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। तो जब भी पेपर में सवाल आए और आपसे पूछा जाए कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शन में लिखा हो यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है, तो कैसे पता करोगे? आपने सबसे पहले देखना है कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या, अगर होमोजीनियस है तो फिर जो मैं बाकी कंडीशन बताऊंगा उनको देखना, अगर नॉन होमोजीनियस है तो आप इसकी कंडीशन देखना। अब होता यह है कि होमोजीनियस में दो केसेस बन सकते हैं, कि आप सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालोगे, डिटरमिनेंट का मतलब ये जो वेरिएबल्स है ना इनसे आपने डिटरमिनेंट बनाना है, जिसको आप कहते हो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब इन सब वेरिएबल्स के ना आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ, इसमें 3 है, 1 है इसका कोएफिशिएंट, इसका -2 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका -4 है, तो एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका आप डिटरमिनेंट मालूम करोगे, ठीक है। आपने क्या किया, एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई, उसका आपने डिटरमिनेंट मालूम किया, अगर वो लेट कर लो मैट्रिक्स ए थी, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, क्या पहले नॉट इक्वल टू 0 कर लेते हैं, अगर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है, मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, और अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है इसका मतलब आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। दोबारा बता देता हूं, आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखा वो होमोजीनियस थी, अब आप क्या करोगे डिटरमिनेंट निकालोगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, अगर वो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब -2 आ रहा है, 10 आ रहा है, 50 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा बस, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ रहा है इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो आप आसानी से बता सकते हो कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, यूनिक है, इनफाइनाइट है, क्या है। और अगर आपने देखा कि आपका सिस्टम जो है वो नॉन होमोजीनियस है, अच्छा इसकी एग्जांपल्स बेतहाशा हैं, जो 4.4 है ना क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 है, उसमें इसी टाइप की सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, जो 3x3 की होंगी उनको आप आसानी से चेक कर सकते हो इस तरह। तो आपने वही काम करना है, सबसे पहले आप देखोगे कि यार वो होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है, जब आप पता कर लोगे फिर आप डिटरमिनेंट निकालना, उसके मुताबिक आप देख लेना।
ठीक है, ये होमवर्क है, आप लोग देख लेना, इसको समझ आ जाएगी। और कंसीडर करो कि अगर आपकी सिस्टम जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो नॉन होमोजेनियस है, और अगर उसमें डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो अगेन वही बात कि सॉल्यूशन यूनिक आएगा, और अगर उसमें डिटरमिनेंट जीरो के बराबर है तो इसका मतलब अब आपके पास नो सॉल्यूशन होगा। नॉन होमोजेनियस में अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ जाए तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब वो लाइन पैरेलल समझ लो आप उनको, सॉल्यूशन उनके दरमियान एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सब केसेस मैंने बता दिए, एग्जाम में एमसीक्यूज आएगा तो आप सबसे पहले ये वाली कैटेगरी पहचानोगे, जब इसमें से पहचान लो आप डिटरमिनेंट निकालोगे, जो आएगा उस हिसाब से आप उसका आंसर दे देना। कोई भी इश्यू, कोई भी सवाल यहां तक? आई होप यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब एक आखिरी मैं बात बता दूं, उसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, कि जो होमोजेनियस में यहां पे यूनिक आता है ना, उसको आप कहते हो ट्राइवियल, ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल सॉल्यूशन वो होता है जो जीरो 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 होता है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सारे जो वैल्यूज हैं वो जीरो के बराबर है। और ये होमोजेनियस में क्यों होता है? क्योंकि जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, ये ओरिजिन से पास करती है। आपको अगर याद हो मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट ना हो तो वो ओरिजिन से पास करता है, तो इनमें अगर आप देखो कांस्टेंट नहीं है ना तो ये सब ओरिजिन से पास कर रही होंगी। हाँ, इसमें अगर आप देखो कांस्टेंट नहीं है ना, सब ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो इनके दरमियान जो सॉल्यूशन होगा वो ओरिजिन होगा ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जीरो जीरो जीरो। तो आप इसको क्या बोलोगे? ट्राइवियल सॉल्यूशन बोलोगे। तो ट्राइवियल सॉल्यूशन वो होता है जो जीरो 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 हो जाए। और जो इनफाइनाइट है ना, मतलब आप बोलते हो कि जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो ट्राइवियल सॉल्यूशन आता है, और जब डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो आपके पास नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन आते हैं। मतलब जो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं ना, वो नॉन ट्रिवियल होंगे। भाई जाहिर सी बात है, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होता है जो जीरो 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 होता है ओरिजिन, बाकी सब तो नॉन जीरो होते हैं ना। तो जब इनफाइनाइट आ रहे हैं इसका मतलब उसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों का थोड़ी ब्रेक है, कोई सवाल है, कोई इश्यू है यहां तक तो पूछ लो, फिर हम चैप्टर 5 थोड़ा सा करेंगे, फिर बात खत्म। यार जो आपने एक मैसेज किया है ना, पैरेलल ले लें, टू कॉमन ले लें, पैरेलल जो इक्वेशंस होती है ना उसमें शुरू की दो टर्म किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुई होती है, जो कोइंसिडेंट होती है ना उसमें तीनों टर्म जो है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती हैं। तो पैरेलल उस वक्त होती है जब कोई भी शुरू की दो टर्म मल्टीप्लाई हुई होती है। बाकी आप लोग देख लेना चैप्टर नंबर 3 में मैंने डिटेल में बात डिस्कस की हुई थी। एक टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था रिलेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, तो मैंने ये सब बातें वहां पर डिस्कस की हुई थी।